नमस्कार दोस्तों, आरके इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरके इलेक्ट्रॉनिक झारखंड में लेकर के आए हैं एमआर का 250 वाट का मशीन, जो कि एमआर का है। ये देख लीजिए, ये एमआर का मशीन है। इसमें दोस्तों मेन लाइन तो ओके है, पावर तो इसमें आ रही है, लेकिन इसमें ऑडियो नहीं है। हम आपको लाइन दे करके दिखा रहे हैं आपको। ये देख लीजिए, देख लीजिए लाइन बिल्कुल आ रही है। और ये देख लीजिए, इसमें स्पीकर का तार हमने जोड़ के रखा हुआ है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा स्पीकर का तार पीछे कनेक्ट करके रखा हुआ है और हम यहाँ से ऑडियो टेपिंग दे रहे हैं अभी यहाँ। ये देख लीजिए, ये हमने ऑडियो का टेपिंग दे रहे हैं, लेकिन कोई ऑडियो नहीं आ रहा है। देख लीजिए इसमें, देख लीजिए कोई ऑडियो नहीं है। देख लीजिए पूरा वॉल्यूम सब फुल करके रखा हुआ है, देख लीजिए बिल्कुल ऑडियो नहीं है, देख लीजिए। तो दोस्तों आज हम इस मशीन को ठीक करेंगे। दोस्तों वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, और नहीं स्किप कीजिएगा। अब वीडियो लास्ट तक बने रहिए। तो आइए पहले इसमें लाइन हम डिस्कनेक्ट करते हैं और हम देखते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका ड्राइवर बोर्ड हम खोल लेते हैं। तो देखते हैं ड्राइवर बोर्ड में ये कंपोनेंट ख़राब है। 4007 का डायोड जला हुआ, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। तो हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, देख लीजिए। दोस्तों अगर मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हर रोज़ मैं लेकर के आते रहता हूं। अभी मैं 4007 डायोड खोल रहा हूं। ये दोस्तों ये ओवरलोड के कारण हुआ है, ओवर वोल्टेज इसमें घुसा हुआ था, जिसके कारण से मेरा इसका ड्राइवर बोर्ड ख़राब हो चुका है। अभी मैं 4007 लगा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये मेरा 4007 है। तो अभी हम इसको लगाएंगे, दोस्तों डायोड को भी लगाना है तो प्लस माइनस देख करके लगाना है, ऐसे नहीं देना है, इसमें भी प्लस माइनस होता है। तो हमने लगा दिया है डायोड, ये देखिए दोस्तों एक डायोड और ख़राब है, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। ये देखिए ये भी जल करके टूट चुका है, तो हम इसे भी बदल लेंगे। अभी एक डायोड हमने लगा लिया है और हम दूसरा खोल रहा हूँ। दोस्तों ऐसी अक्सर मशीन ज़्यादा करके फॉल्ट ड्राइवर बोर्ड में ही आती है, इस और कोई दिक्कत तो इसमें ज़्यादा आता नहीं है। तो इस बोर्ड को आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं। इसमें हम वोल्टेज भी बता देंगे किस पिन पे कितना वोल्ट रहता है। वीडियो में लग बने रहिए। हमने डायोड खोल लिया है, अब हम दूसरा डायोड रिप्लेस कर रहे हैं इसमें। अभी हम इसमें
सोल्ड कर लेते हैं बढ़िया से। देखिए दोस्तों हमने सोल्ड कर रहा हूँ, हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से सोल्ड कर रहे हैं ताकि इसके वजह से कोई परेशानी बाद में ना हो। अब एक्स्ट्रा जो डायोड में निकला हुआ इसको काट लेते हैं, एक्स्ट्रा पिन को इसको कटिंग कर देते हैं। अब दोस्तों हमने तो डायोड लगा दिया है, अब हम लाइन डाल करके देखते हैं। अब हम लाइन डाल रहे हैं इसमें, ये देखिए दोस्तों मेरा ऑडियो आ चुका है। ये देखिए अगर आप सुन रहे हैं, ये देखिए दोस्तों अगर आप सुन रहे हैं तो मेरा ऑडियो आ चुका है। ये देखिए दोस्तों हमने अभी MP3 चालू किया हुआ है, मैं अब बजा के दिखाता हूँ। दोस्तों अभी भी इसमें प्रॉब्लम है, हमारा ड्राइवर बोर्ड में ऑडियो तो आ चुका है लेकिन आवाज़ फट रही है। अब हम इसमें वोल्टेज देखेंगे तो दोस्तों मल्टीमीटर को हमने 200 DC वोल्ट के रेंज में सेट करके रखा हुआ है। इसको मैं ग्राउंड पे लेता हूँ, इसको मैं ग्राउंड से ले लेता हूँ, कहीं से भी ले सकते हैं। इसको मैं इसका ड्राइवर वोल्ट देखता हूँ दोस्त। अब ड्राइवर वोल्ट कहाँ पे है, कम है क्या आ रहा है ज़्यादा आ रहा है उसको भी देखना है। दोस्तों ड्राइवर वोल्ट भी ठीक है मेरा, तो दोस्तों ड्राइवर वोल्ट मेरा कम है जो कि कम से कम 0.5 के बराबर होना चाहिए। तो ये देख लीजिए अभी मेरा 0.1 के बराबर वोल्टेज आ रही है, ये देख लीजिए जो कि ड्राइवर वोल्ट में कम से कम 0.4 होना चाहिए। तो अभी हम इसको सेट करेंगे, तो यहाँ पे एक प्रीसेट लगा हुआ है, प्रीसेट से एडजस्ट करके देखते हैं। अभी हम प्रीसेट एडजस्ट करके देखते हैं वोल्टेज बढ़ा करके, अगर बढ़ती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे कंपोनेंट हम चेक करेंगे। अभी दोस्तों हमारा ड्राइवर वोल्ट बढ़ तो नहीं रहा, तो हम आगे टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे 30-55 का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसमें हम सप्लाई देखेंगे कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा सप्लाई अभी मेरे यहाँ सप्लाई ठीक है, तो दोस्तों ये देख लीजिए यहाँ पे मेरा सप्लाई इस पिन पे मेरा ओके है, ये देख लीजिए। लेकिन मेरा इस ट्रांजिस्टर में मेरा कोई सप्लाई नहीं आ रही है, देख लीजिए बिल्कुल नहीं आ रही है। अब मुझे देखना है कि क्या दिक्कत है। तो दोस्तों हमने प्रॉब्लम ढूंढ निकाला है, ये देख लीजिए यहाँ पे ट्रैक कटा हुआ है, ये देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों ये ट्रैक कटा हुआ है सप्लाई वाला, ठीक है। तो इसको हम अभी जम्पर मार करके देखते हैं सप्लाई डाल करके। तो दोस्तों अभी हम इसमें जम्पर मार करके देख रहे हैं
सप्लाई, इसमें ट्रैक कटा हुआ था, ट्रैक को हम जोड़ दे रहे हैं, तो अभी हम सोल्डिंग कर रहे हैं अच्छी तरीके से। अभी ये डायोड की वजह से शॉर्ट कर गया था, इसको हमने जोड़ दिया है। अब बची हुई तार को हम काट लेते हैं। ये हमने ट्रैक को अब वापस जोड़ दिया। अब हम फिर से लाइन डाल करके देखते हैं इसमें। लीजिए देखिए दोस्तों, मेरा मशीन ओके हो गया है, मेरा मशीन बिल्कुल ठीक ठाक है। ये देखिए दोस्तों, ये देख लीजिए मेरा ड्राइवर वोल्टेज, ये देखिए मेरा 0.4 वोल्टेज आ गया है और मेरा मशीन आवाज भी ठीक हो गया है। ये तो बस मुझको पता है, तुम ही देखे। ये देखिए दोस्तों, हो चुका है। इस वीडियो को अगर आप अच्छा लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।